चांदी 66,200 के करीब ट्रेड हो रही है और 400 रुपए से ज्यादा दाम यहां पर गिरे हैं। दरअसल फरवरी की ऊंचाई से दाम लगभग 6,500 रुपए नीचे हैं। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे चांदी में ये क्या हो रहा है, तेजी बिल्कुल टिक नहीं पाती, आखिर कहां है चांदी की आंधी? स्वाती जी गुड इवनिंग। देखिए अगर आप चांदी को देखें तो कहीं ना कहीं हमने बेस मेटल से क्यूज आता हुआ देखा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बेस मेटल में पिछले एक हफ्ते में एक थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डिमांड हमने चांदी में देखी थी वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से भावों में एक नरमी देखने को मिली। इवन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो जहां पर चांदी $24 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड कर रही थी, अब वो $22 के नीचे है। वहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जहां 68,000 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, आज 67,000 के नीचे ट्रेड करती हुई दिखे, तो थोड़ा सा सेंटिमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे चांदी का थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, बट मुझे हमें लगता है कि जो चांदी है फिलहाल शॉर्ट टर्म में एक रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा। यहाँ पर हायर लेवल पे थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, हालांकि डाउन साइड 65,000 काफी अच्छा सपोर्ट है जहां पर हम अगेन एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। मगर फिलहाल जो करंट रेट चल रहे हैं, मुझे लगता है कि करंट रेट के आसपास मार्केट थोड़ा सा एक सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर मैं सिल्वर में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 66,900 के आसपास बिकवाली करें, 67,600 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 66,000 तक देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $21.80 तक के लेवल आपको सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म थोड़ा सा मार्केट एक साइडवेज है, बट अंडरटोन थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता हुआ दिखा है, तो एक या दो दिन के पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी में एक डाउनसाइड इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सेंटिमेंट थोड़े वीक नजर आ रहे हैं।